में हुई हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी की हत्या के मुख्य आरोपियों अशफाक हुसैन और मोइनुद्दीन पठान को पकड़ लिया गया है। दोनों आरोपियों को गुजरात राजस्थान बॉर्डर के पास से पकड़ा गया है। केस की जांच कर रही गुजरात एटीएस के मुताबिक पकड़े गए दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी पर कमलेश तिवारी के परिवार ने खुशी जताई है। कमलेश तिवारी की मां ने गुजरात एटीएस की तारीफ की है, साथ ही दोनों आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। कमलेश तिवारी के बेटे ने सरकार से आरोपियों को जल्द सुनवाई कर फांसी देने की अपील की। एटीएस के मुताबिक 34 साल का अशफाक सूरत के ग्रीन व्यू अपार्टमेंट का रहने वाला है और एक निजी कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करता था। वहीं उमड़ावाला का रहने वाला मोइनुद्दीन फूड डिलीवरी बॉय का काम करता था। कमलेश तिवारी हत्याकांड केस में पकड़े गए दोनों आरोपियों से यूपी पुलिस कड़ी पूछताछ करेगी। यूपी के डीजीपी ओपी सिंह के मुताबिक पूछताछ में कमलेश तिवारी की हत्या में शामिल सभी लोगों का नाम सामने आ जाएगा। जम्मू की एक अदालत ने कठुआ गैंगरेप और हत्या मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम यानी एसआईटी पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है। एसआईटी पर गवाहों को धमकाने और झूठे सबूत तैयार करने का आरोप है। एसआईटी पर यह भी आरोप है कि उसने विशाल जंगोत्रा के तीन अन्य दोस्तों को झूठे बयान देने के लिए टॉर्चर भी किया था। कठुआ गैंगरेप में आरोपी बनाए गए विशाल जंगोत्रा के दोस्तों की याचिका पर ही कोर्ट ने ये आदेश सुनाया है। कोर्ट ने सभी तथ्यों की जांच के बाद एसआईटी में शामिल सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं और इस आदेश को 7 नवंबर तक अमल में लाने को कहा है। जनवरी 2018 में कठुआ में एक बच्ची से गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। एसआईटी ने विशाल जंगोत्रा को हत्या का आरोपी बनाया था। एसआईटी की जांच पर जी न्यूज ने सवाल उठाए थे। जी न्यूज की खबर पर अदालत ने संज्ञान लिया था। जी न्यूज की खबर के बाद पठानकोट की अदालत ने विशाल जंगोत्रा को निर्दोष करार दिया था। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली। मंगलवार को पुलवामा में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में 2 विदेशी हैं। ये आतंकी पुलवामा के राजपुरा में एक मकान में छिपे हुए थे। साझा ऑपरेशन में सेना सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस शामिल थी। पीओके में भारत की जवाबी कार्रवाई से बौखलाया पाकिस्तान लगातार सीज फायर तोड़ रहा है। पाकिस्तान एलओसी पर कई जगहों पर लगातार सीज फायर कर रहा है। पाकिस्तान ने मेंढर में बालाकोट, कछुआ के हीरानगर सेक्टर और राजौरी में भारी गोलाबारी की। इन हमलों में 3 नागरिक घायल हो गए हैं। भारत की तरफ से पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब दिया गया है। दिवाली से पहले जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का फायदा देने जा रही है। ये आदेश 31 अक्टूबर 2019 से लागू होगा। केंद्र सरकार के इस ऐलान से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। इससे करीब 4,800 करोड़ रुपए का सालाना अनुमानित खर्च आएगा। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता अब 24 अक्टूबर को होगा। दरअसल दोनों देशों के बीच 23 अक्टूबर को समझौते की घोषणा की जानी थी, लेकिन दोनों पक्षों के बीच तारीख पर सहमति नहीं बन पाई। अब 24 अक्टूबर को दोनों पक्ष मुलाकात करेंगे और एग्रीमेंट साइन करेंगे। हालांकि भारत अभी भी श्रद्धालुओं से $20 लेने पर असहमत है। 9 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, तो वहीं पाकिस्तान में इमरान खान इसका उद्घाटन करेंगे। वहीं एंट्री फीस पर कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार सब्सिडी देकर श्रद्धालुओं को राहत दे। इस बीच पहली बार 90 देशों के राजदूतों ने कल एक साथ अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पहुंचकर दरबार साहिब में मत्था टेका। कार्यक्रम में पाकिस्तान के राजदूत को भी न्योता दिया गया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। भारत की तरफ से दी गई दिवाली की मिठाइयों को पाकिस्तान ने लौटा दिया है। वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजर्स को बीएसएफ की तरफ से मिठाइयां दी गई थी, तो वहीं इस्लामाबाद में मौजूद भारतीय उच्चायोग ने सभी महत्वपूर्ण पाकिस्तानी उच्चाधिकारियों को मिठाइयां दी थी। मिठाई लेने के दूसरे दिन इन मिठाइयों को वापस कर दिया गया। जनसंख्या नियंत्रण के लिए असम की बीजेपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने फैसला किया है कि 1 जनवरी 2021 से उन व्यक्तियों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर छात्रा से रेप मामले में एसआईटी ने सील बंद लिफाफे में प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की है। साथ ही कोर्ट को वीडियो क्लिप की फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट न आने की जानकारी भी दी। एसआईटी ने कोर्ट को बताया कि 4 हफ्ते बाद वीडियो क्लिप की फॉरेंसिक रिपोर्ट आने की संभावना है।
जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए राइफलमैन गामिल कुमार श्रेष्ठा का वाराणसी में अंतिम संस्कार कर दिया गया। शहीद गामिल श्रेष्ठा को नमन के लिए कई गांवों के लोग पहुंचे। इससे पहले शहीद का शव वाराणसी के गोरखा ट्रेनिंग सेंटर पहुंचा था, जहां सेना के जवानों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्य में एनआरसी लागू होने से रोककर दिखाने की चुनौती दी है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि घुसपैठियों को खदेड़ना मोदी सरकार का संकल्प है और ये हर हाल में पूरा होगा। ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में कहा था कि बीजेपी एनआरसी से एक धर्म को निशाना बनाकर पश्चिम बंगाल में अशांति फैलाना चाहती है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार पर अघोषित सेंसरशिप लगाने का आरोप लगाया है। राज्यपाल धनखड़ पिछले हफ्ते उत्तर और दक्षिण 24 परगना में जनप्रतिनिधियों और अफसरों के साथ बैठक करने वाले थे, लेकिन डीएम ने राजभवन को चिट्ठी लिखकर बैठक की व्यवस्था करने से इनकार कर दिया था। चिट्ठी में कहा था कि सारे अफसर सीएम ममता बनर्जी के दौरे में व्यस्त हैं। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्यपाल ने प्रशासन के इस रवैये पर सवाल उठाए। राजस्थान के पोखरण में सेना और एयरफोर्स ने साझा अभ्यास में अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन किया। युद्धाभ्यास के दौरान पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में जबरदस्त गोलीबारी हुई। इस दौरान जाबाजों ने जमकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया। इस इंटीग्रेटेड फायर एक्सरसाइज में आर्टिलरी फायर, बुफोर्स 130 गन फायर और सबसे ताकतवर K9 वज्र गन की ताकत का प्रदर्शन किया गया। भारतीय वायुसेना को एक बड़ी सफलता मिली है। वायुसेना ने अंडमान के ट्रैक द्वीप पर जमीन से जमीन पर मार करने वाली दो ब्रह्मोस मिसाइलों का परीक्षण किया। दोनों परीक्षण सफल रहे और मिसाइलों ने टारगेट पर अचूक वार किया है। इस साल के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अभिजीत बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की है। अभिजीत बनर्जी से मुलाकात को पीएम नरेंद्र मोदी ने शानदार बताया। पीएम से मुलाकात के बाद अभिजीत बनर्जी ने कहा कि देश के बारे में पीएम मोदी की सोच एकदम अलग है। साथ ही पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में जेपी मॉर्गन इंटरनेशनल काउंसिल के सदस्यों के साथ मुलाकात की। 2007 के बाद ये पहला मौका था जब भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई है। इस इंटरनेशनल काउंसिल में ब्रिटेन के पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन हावर्ड, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर और कोंडोलीजा राइस, पूर्व रक्षा सचिव रॉबर्ट गेट्स और नामी गिरामी उद्योगपति शामिल हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी के सभी जनरल सेक्रेटरी से मुलाकात की है। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर नड्डा ने इस बैठक के दौरान महाराष्ट्र और हरियाणा में हुए विधानसभा चुनावों पर चर्चा की है। दोनों राज्यों में आने वाले चुनावी नतीजों पर बीजेपी बराबर नजर रखे हुए है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बीजेपी के कार्यकर्ता पर हमला हुआ है। आरोप ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी नेताओं पर है। बीजेपी कार्यकर्ता राजू बिस्ट ने कहा है कि उन पर तृणमूल कांग्रेस के 80 से 100 गुंडों ने हमला किया। राजू बिस्ट एक स्कूल समारोह में जा रहे थे, उसी वक्त हमला हुआ। महाराष्ट्र में फाइनल नतीजों से पहले हार की आशंका से घबराई एनसीपी ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। एनसीपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने पूरी मेहनत से ये चुनाव नहीं लड़ा है, जिसका खामियाजा एनसीपी को भुगतना पड़ सकता है। महाराष्ट्र के महा एग्जिट पोल में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को 203 सीटें और कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 70 सीटें मिलने का अनुमान है। पंजाब और महाराष्ट्र बैंक के खाताधारकों का प्रदर्शन जारी है। मुंबई के आजाद मैदान में बड़ी संख्या में पीएमसी बैंक के खाताधारक पहुंचे और आरबीआई के खिलाफ प्रदर्शन किया। पीएमसी बैंक के खाताधारकों के एक दल ने आरबीआई के अधिकारियों से मुलाकात भी की है। खाताधारकों के मुताबिक आरबीआई ने कहा है कि समस्या के समाधान की कोशिश जारी है। 25 अक्टूबर को आरबीआई में पीएमसी बैंक के हालात पर बैठक होगी। इस बीच पीएमसी बैंक घोटाले में एचडीआईएल के संचालक राकेश वाधवान और सारंग वाधवान को 24 अक्टूबर तक के लिए ईडी की कस्टडी में भेजा गया है। इसी मामले में गिरफ्तार पांचवें आरोपी सुरजीत सिंह अरोड़ा को 24 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। इस मामले में अन्य आरोपी जॉय थॉमस और वरियम सिंह है। पीएमसी बैंक घोटाले में एक और मौत हुई है। बैंक के एक खाताधारक के 2,25,00,000 फंसने से उसके एक रिश्तेदार की मौत हो गई है। भारती सदरंगानी नाम की इस महिला की हार्ट अटैक होने से मौत हो गई है। बेटी और दामाद का करोड़ों रुपए बैंक में फंस जाने की वजह से सोलापुर की रहने वाली भारती को सदमा पहुंचा था।
महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में वक्त पर एम्बुलेंस नहीं मिलने से एक मराठी एक्ट्रेस और उसके नवजात शिशु की मौत हो गई। मराठी एक्ट्रेस पूजा झुंझार को 19 अक्टूबर को डिलीवरी के लिए गोरेगांव के प्राथमिक हेल्थ सेंटर में भर्ती करवाया गया था। वहां उसके नवजात शिशु की जन्म के दौरान ही मौत हो गई। बाद में पूजा की हालत बिगड़ने लगी, लेकिन समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने से उसकी मौत हो गई। नागपुर में महाराष्ट्र पुलिस के 5 जवानों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि नंदनवन में ड्यूटी पर तैनात इन पुलिसकर्मियों ने ड्रग्स के दलालों के पास से ड्रग्स पकड़ी थी, लेकिन उनसे रिश्वत लेकर उन्हें छोड़ दिया। यही नहीं, जब्त की गई ड्रग्स और रिश्वत के पैसे इन्होंने अपने पुलिस थाने में रखे। बाद में पोल खुलने पर इनको गिरफ्तार किया गया है। मुंबई के पास डोंबिवली में मोबाइल की दुकान से चोरों ने 17 लाख रुपए के मोबाइल फोन चुरा लिए। चोरों ने अलग अलग कंपनियों के 127 मोबाइल चोरी किए हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है। मुंबई के चेंबूर में 7 पुलिस वालों से लोगों ने मारपीट की है। मामूली बहस को लेकर ये मारपीट की गई है। करीब 100 से ज्यादा लोगों ने पुलिस वालों को घेर कर उन पर लात घूंसे चलाए हैं। हालांकि पुलिस वालों को बचाने के लिए कुछ लोग भी आगे आए थे। बड़ी मुश्किल से पुलिस वालों को बचाया गया है। मुंबई के कुर्ला में एक शव यात्रा में शामिल लोगों ने पुलिस के रवैये से गुस्सा होकर पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया। दरअसल कुछ दिन पहले पांचाराम रिठाड़िया की बेटी लापता हो गई थी। पुलिस में शिकायत करने के बावजूद जब कोई नतीजा नहीं निकला तो रिठाड़िया ने रेल के आगे कूद कर जान दे दी। इस बात से नाराज लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। महाराष्ट्र के पुणे में दिवाली के लिए 1 लाख किलो लड्डू और 1 लाख किलो चिवड़ा तैयार किया गया है। लड्डू और चिवड़ा लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए पुणे मर्चेंट्स चैम्बर ने तैयार करवाया है। इसे आम लोगों को किफायती दर पर बेचा जाएगा। दिल्ली की रोहिणी में 21 अक्टूबर को बाइक सवार 2 बदमाश एक महिला से उसका बैग छीनकर फरार हो गए थे। पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें एक महिला हाथ में एक बैग लिए जाती दिख रही है। बाइक पर हेलमेट पहने 2 बदमाश पहले से इंतजार कर रहे थे, जो महिला के आते ही उससे बैग छीनते हैं और फरार हो जाते हैं। यूपी के बरेली में एक ठेकेदार के भेजे गुंडों ने एक इंजीनियर की जमकर पिटाई कर दी। सरयू नहर खंड 4 के दफ्तर में इंजीनियर को पीटा गया है। बाद में भीड़ बढ़ने पर बदमाश हवा में हथियार लहराते हुए फरार हो गए हैं। इंजीनियर की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आगरा में फ्रांस के पर्यटकों ने यूपी पुलिस का धन्यवाद किया है। आगरा किले में पर्यटक का मोबाइल गुम हो गया था। शिकायत मिलने पर किले में मौजूद पर्यटन पुलिस ने तुरंत मोबाइल को ढूंढकर पर्यटक को सौंप दिया, जिसके बाद पर्यटक काफी खुश दिखाई दिए। यूपी के सहारनपुर में एक गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद पुलिस टक्कर मारने वाली गाड़ी की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में शौचालय तोड़े जाने का वीडियो सामने आया है। विवाद जमीन से जुड़ा हुआ है। एक पक्ष ने शौचालय की जमीन को अपना बताया और उसे गिरा दिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने आरोपियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। भोपाल के बाणगंगा चौराहे पर हार्वेस्टर मशीन ने कई वाहनों को टक्कर मारी। इसमें बाइक और कार शामिल हैं, जिसमें 5 लोग घायल हुए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है, जबकि 3 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। लोगों के मुताबिक हार्वेस्टर की रफ्तार काफी तेज थी। कर्नाटक में हो रही बारिश से लोगों का बुरा हाल है। सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी है। बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित चिकमंगलुरु है। कुछ ऐसे ही हालात केरल और तमिलनाडु के भी हैं। यहां पर भी कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने पर्यावरण संरक्षण और बढ़ते प्रदूषण के प्रति जागरूकता रैली निकाली। एएमयू के स्टूडेंट्स ने लाइब्रेरी कैंटीन से बाबे सैयद तक हाथों में बैनर पोस्टर के साथ रैली निकाली। इनका कहना था कि अगर अब नहीं जागे तो आने वाले समय में प्रदूषण विकराल रूप ले लेगा। वाराणसी में दिव्यांग बच्चों ने रंग बिरंगे दिए बनाए हैं। इन बच्चों ने दियों के अलावा मोमबत्ती और सजावट का दूसरा सामान भी बनाया। इन बच्चों के बनाए सामान को देखने के लिए आसपास के इलाकों से लोग यहां आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक हार्डवेयर की दुकान में आग लग गई। आग लगने के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस आग में कोई हताहत नहीं हुआ है। जयपुर में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है। पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल भरवाने का लोग इंतजार कर रहे हैं। वैट कम करने की मांग को लेकर पंप मालिक हड़ताल पर हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली आज बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन जाएंगे। मुंबई में आज बीसीसीआई की एजीएम होनी है, जहां पर सौरव गांगुली को बीसीसीआई का अगला अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की जाएगी।
पिछले हफ्ते हुए बीसीसीआई अध्यक्ष पद के चुनाव में सौरव गांगुली का चयन सर्वसम्मति से किया गया। इसी के साथ बीसीसीआई पर पिछले 33 महीनों से जारी सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासनिक समिति का शासन भी खत्म हो जाएगा।